ये साथ एक खबर थी, इस पे भी डाल देते हैं। ये वाली जो खबर है ना, ये जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है ना, उनकी बेटी की डेथ हुई थी, तो ये वो यहाँ से थी। हमने लेनी है खुजियाँ टूटियाँ, 12 तक मैंने कहा है। यहाँ से जो काउंट होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ज्यादा थी। मैंने भाई को कहा कि मुझे शापर में नहीं, बोरे में डाल कर दो। ये जी दादू की कब्र है, वो जहाँ पे मैंने फूल रखे हैं वो दादाबू की है। तो अभी मैं इसकी सफाई करा के इसकी लिपाई कराऊंगी, और वो वाली जो कब्र है दादे अबू की, उसकी भी जो है ना सफाई भी होनी, लिपाई भी। इस रास्ते से आओ ना सीधी, पहली कब्र छोड़ के दूसरी दादी की है, और यहाँ से अगर हम जाएँ थोड़ी सी कब्रें छोड़ के, ये दादाबू की है, मोहम्मद सादिक मेरे जो दादाबू हैं उनकी। तो पहले इनकी अच्छी से लिपाई करवाते हैं, लपाई करा के फिर फ्लावर वगैरह डाल के, तो फिर हम लोग घर जाएंगे। भाई को हमने कहा है कि ये कर दो सारी। नेम प्लेट से मुझे आज पता चला कि मेरे दादाबू को फोत हुए तकरीबन 37 साल हो गए हैं, 1987 और 16 नवंबर को जो है ना जुम्मे के दिन डेथ हुई थी दादाबू की। और दादी की भी देखती हूँ मैं, क्योंकि मैंने उनको नहीं देखा। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितने सारे दरख्त लगे हुए हैं, और बिल्कुल कब्र पे छाँव है, ठंडी ठंडी हवा है, और वो दादो की है उस पर भी ऐसे ही है। मैं देख के बताती हूँ कि कितने साल पहले डेथ हुई थी। दादी का है 1994, और 30 साल हो गए हैं दादी की डेथ हुई को। ये गुलाम फातिमा मेरी दादो का नाम था। चले जी, कब्रों की लफवाई जो है ना मैंने करवा दी है, और अबू का मसला ये है कि वो नहीं चल फिर नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, तो इस वजह से ना वो आए थे दुआ मांग के चले गए। अबू ने हमें कहा था कि आप करवा लें, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। ये कब्र ऐसे हुई हुई थी जैसे ना बस अभी गिर जाएंगी, तो इसलिए मैंने सोचा फौरन इसकी लपाई कराई जाए। गर्मी भी इतनी ज्यादा हो रही है, मेरा मुंह लाल हो गया गर्मी से। ये दादू की कब्र है, बाकी के फ्लावर मैंने इधर डाल देते हैं। ये साथ एक कब्र थी, इस पे भी डाल देते हैं। ये वाली जो कब्र है ना, ये जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है ना, उनकी बेटी की डेथ हुई थी, तो ये वो है, और वो अपी की नंद है, उसकी डेथ हुई थी। तो इनकी कब्रें जो है ना आसपास हैं, तो हमने सोचा आए तो यहाँ से भी दुआ पढ़ के जाते हैं। यहाँ से थी हमने लेनी है खुजियाँ टूटियाँ, 12 तक मैंने कहा है, 10 या 12 तक। पहली बार मैंने बांटी, मुझे बड़ा यहाँ से जो काउंट होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ज़्यादा थी। मैंने भाई को कहा कि मुझे शापर में नहीं, बोरे में डाल कर दो, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ये सारी क्याले वगैरह।
ये भी है, ये खड़े वगैरह भी ना ले कि इनको ना भिगो के रखना पड़ता है एक डेढ़ घंटा पहले ना, तो मैंने कहा इनको अच्छी तरह वॉश भी कर लेती हूँ और इनको भिगो भी देती हूँ। दो मैंने बाल्टियाँ ला के यहाँ पे रख दी हैं। दरअसल ना मुझे इसलिए शौक है कि मैं बचपन में कुछ शौक से लेने जाती थी, तो मुझे इसलिए अब शौक आया है कि मैं भी बाहरती हूँ तो बच्चे जो है ना हमारे घर से शौक शौक से लेने आएंगे, तो हम उनमें एक्सप्लेन करेंगे। अभी जितने भी हैं ये सारी तकरीबन में माशाल्लाह 12 दर्जन मैंने ले ली हैं और हमारे मोहल्ले में घर बहुत थोड़े हैं, खैर फिर भी हो जाएगा। मस्जिद में बच्चे होते हैं, मस्जिद में पर वो 6 बजे चले जाते हैं, यहाँ से 6 बजे चले जाते हैं। चलो हम उन सबको बता देते हैं क्या हुआ है। टाइम हो चुका है, ये अभी तकरीबन 12 दर्जन ली हैं मैंने और अभी इनको भिगो के रखा है। अभी हमने ना इसके साथ में रेडी करना है हलवा और जो है ना दूध और जामे खीरी वाला शरबत, वो भी बनाते हैं पहले ये, वो इनका शोर बहुत ज्यादा है। दो आराम आराम से ले लो, उठा दो अपने पेटे में रख लो, पीछे पीछे चले जी। आज का सारा काम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने नियत की थी जो हस्बे तौफीक था। और आप लोगों ने ये नहीं कहना कि पता नहीं मैंने कौन सी मन्नतें मांगी हुई हैं या मैं शिया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ। और वैसे ही मुझे शौक़ था क्योंकि मैं बचपन में जाती थी लेकर आती थी और मेरी जो मतलब मेरे अम्मी अबू से ना मुझ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है कि ख़त्म वगैरह दिलाना, मैं इस चीज़ में ना बहुत है कि अल्लाह के राह में देना चाहिए, जब अल्लाह हमें देता है तो हमें भी अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करना चाहिए। और कब्रिस्तान में इसलिए गई थी क्योंकि अबू जो है ना वो ज़्यादा देर तक कहीं पर बैठ नहीं सकते, कहीं पर खड़े नहीं हो सकते। अबू हमारे साथ गए थे, उन्होंने हमें कहा कि आप जो है ना बेटा करवा दें, मेरे से इतनी देर खड़े नहीं होता। तो अबू ने दुआ पढ़ी और वहाँ से वापस आ गए थे। फिर जो बाकी का प्रोसीजर था वो मैंने करवा दिया, ना ये सब बुरी बात, बाकी का जितना भी प्रोसीजर था मैंने करवाया। उसके बाद शेयर करने का मकसद ये है मेरा कि जो मैंने किया, मतलब ये नहीं अब आप लोगों ने कह देना कि कब्रिस्तान गई तो वो जाके जो आप लोग ना हमसे शेयर कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि कब्रें लिपाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमने जो किया वो अल्लाह की रजा के लिए किया है क्योंकि वो मेरे बहुत ही प्यारे दादा अबू और बहुत ही प्यारी सी दादा थी। खैर हमने उनको देखा तो नहीं है पर हमें फिर भी अटैचमेंट है, हमें प्यार है क्योंकि हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि उनको उनके माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर उनको उनके माँ बाप से प्यार है तो हमें अपने माँ बाप से प्यार है, इसलिए हम अपने दादा और दादी की कब्र जब तक हम खुद जिंदा है तब तक तो हम लोग जाते रहेंगे, जब तक हम ना रहे तो वो फिर अलग बात है। खैर इसी व्लॉग को हम यहीं पर कर देते हैं एंड, मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।